रोल कैमरा एक्शन मुझे लगा कि ये प्रैंक ही कर रहे हैं शूटिंग नहीं करे पर फिर पता चला कि शूटिंग कर रहे हैं एक्शन मैंने तो यार थोड़ी डोंकी भी ना लग जब आप फिल्म कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि आप इतनी बड़ी फिल्म में काम कर रहे हो मजा आ गया मैं तो एकदम फिल्म स्टार बन गई हां मेरे को बहुत फीलिंग्स आए वैसे Cut.

एक फिल्म आ रही है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उसका नाम है द लॉस्ट गर्ल लॉस्ट गर्ल आखिरकार इतनी चर्चा में क्यों है क्योंकि उसमें जो एक छोटी सी बच्ची ने किरदार निभाया है उसे सबको सरप्राइज़ करके रख दिया है छोटे बच्चे होते भी कमाल के कलाकार हैं वो जब चाहते हैं जो चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं और डायरेक्टर जब चाहते हैं जो चाहते हैं उनसे भी करवा लेते हैं कैसे करवाते हैं और वो कैसे करते हैं ये बताएंगे मेरे साथ वही नन्हनी कलाकार जो कि बहुत बड़ा काम करके आई है वैरनिका तो वैर्निका वेलकम टू जॉइन फिल्म अभी आपकी एज कितनी है मेरी एज एट है एट है एट इयर्स की एज में आपने फिल्म कर ली हाँ कैसे कर ली मेरे को बहुत मजा आया था पर बीच बीच में मुश्किल आ रहे थे क्या और उसमें एक फार्म में मैं एक्ट कर रही थी तो मेरे को लगा एक बार तो एक बार मेरे को लगा कि मेरे साथ मजा कर रहे हैं मेरे को अकेले छोड़ दिया था कहीं पे एक रास्ते में और जब उन्हें उन्होंने मैं, मैंने जब रियलाइज किया तो इस, आ, मेरे को लगा मुझे लगा कि ये प्रैंक ही कर रहे हैं शूटिंग नहीं कर रहे पर फिर पता चला कि शूटिंग कर रहे हैं तो आपके साथ प्रैंक होता था आप भी किसी के साथ प्रैंक करते थे शूटिंग नहीं नहीं किसी को परेशान नहीं करते थे नहीं, बि, बिल्कुल किसी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो नहीं करती थी हम थोड़ा-थोड़ा करती थी थोड़ा-थोड़ा करती किसको सबसे ज्यादा परेशान करती थी पापा <laughs> तो पापा जब डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म को तो उन्होंने बोला नहीं कि अभी अपने करेक्टर में रहो जो आप हो नहीं पापा बस समझा देते थे ओके okay. इस फिल्म में आपकी मम्मी का रोल भी कर रही है तो जब मम्मी के साथ रोल करते थे आप तो आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते थे कि मैं क्या डायलॉग बोलूंगी क्योंकि आप ऐसे अलग हो जब आप डायलॉग बोल रहे हो किसी और के डायलॉग है तो कैसे प्रिपेयर करते थे वो अलग से एक स्क्रिप्ट देते थे और मेरे को याद करना पड़ता था एक चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता था बार बार हाँ कैसे एक डायलॉग बोल के बताओ बापू मैं तो सारे डायलॉग भूल गई मैं भी <laughs> सारे डायलॉग भूल गई तो उस टाइम लेकिन अच्छे से बोले थे आपने हाँ उस टाइम बहुत अच्छे से बोला पर कट भी हो रहा था कट भी हो रहा था ओके आपने जब पहली बार शूटिंग किया तो आपको मजा आया या मजा नहीं आया थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रही थी मैं और मजा भी आया था सबसे ज्यादा शूटिंग में में किस आया आपको सबसे ज़्यादा वो लीलो की साइकिल है ना उसमें मैंने टीवी तो उस में, अच्छा हाँ, में।, में देखा हाँ। तो कैसा लगा आपको काम अच्छा किया काम बहुत अच्छा किया था अच्छा नहीं हो पाया और अच्छा हो सकता था थोड़ा और भी अच्छा हो सकता था हो सकता था ऐसा लगता है आपको हाँ, ओके शायद अच्छा कौन से सीन में जब आप शूटिंग कर रहे थे कौन से सीन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो उसमें आ रही थी फार्मिंग में जब मैं भाग रही थी उधर में पापा पापा चिल्ला रही थी और उधर बहुत सारे कॉकरोचेस थे इतने इतने बड़े बड़े ऊपर से आ रहे थे मम्मी के ऊपर भी गिर गया था एक तो बहुत गंदा लगा मेरे को तो आप डरे नहीं मैं डरी थी लेकिन शॉट किया पूरा कंप्लीट आपने हाँ ओके अच्छे से ओके जब ये फिल्म आप बना रहे थे जब आप फिल्म कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि आप इतनी बड़ी फिल्म में काम कर रहे हो मजा आ गया मैं तो एकदम फिल्म स्टार बन गई हाँ मेरे को बहुत फीलिंग आए वैसे कैसे फीलिंग है बताओ तो? जैसे कि बहुत बड़ी स्टार बन गई मैं तो मैंने तो इतना बड़ा काम बना दिया फिल्म बना दिया ओके okay. तो आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं आपके बारे में जब आपने फिल्म किया थो? तो तो उन्होंने बोला था मतलब कुछ नहीं बोलते हैं बस बोलते हैं कि आपकी मूवी कब रिलीज होगी आपकी मूवी कब रिलीज होगी तो ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आपकी मूवी कब रिलीज होगी बताओ मेरे मेरे फ्रेंड्स मेरी मूवी 5 अप्रैल को रिलीज होगी 2024 2024 और क्यों देखने जाए सब लोग फिल्म आपकी क्योंकि बहुत अच्छा मूवी है और आप जरूर देखना सिनेमा में बहुत प्यारी मूवी है और आप क्या कर रहे हो उसमें उसमें मैंने सुहानी का रोल किया था सुहानी का कैसा रोल है वो किस तरह की बच्ची है आप जैसी है या बिल्कुल अलग है वो बिल्कुल अलग है वो घूम हुई थी हां पेरेंट्स नहीं थे उसके ओके अलग तो जैसे उस फिल्म में आप डर के घूमे हो ये आपको डर लगा है वैसे आप नॉर्मल लाइफ में भी डरते हो नहीं मैं मे, मे, मेरे पेरेंट्स कभी बाहर गए हैं किन है चीजों से डर लगता है आपको मेरे को कॉकरोचेस डार्क और भूत और भूत हाँ. ओके तो कॉकरोच तो आपने फिल्म में देख ली बाकी कुछ तो देखने को नहीं मिला मिला बहुत सारी चीजें देखने को मिला क्या-क्या मिला मैंने रियल बबल्स देखे मतलब मैंने फुलाई भी थे रियल में मुछा फिल्म में ओके okay. अभी जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आप जाओगी फर्स्ट शो देखने हाँ मैं जाऊंगी पक्का मेरे को नहीं पता क्योंकि वो मैं पापा से पूछूंगी अच्छे ठीक है थैंक यू वेरी मच जल्दी से आपकी फिल्म रिलीज हो और सब लोग पसंद करें आप वाकई बहुत बड़े हीरोइन बन जाओ तो मेरे साथ ही अरुणिका देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो इतने सहज होते हैं इतने सरल होते हैं कि किसी भी बात का जवाब मेरा सवाल कितना भी बड़ा हो उनका जवाब छोटा ही होता है <laughs> तो इस तरह के जवाब होते हैं उनके क्यों क्योंकि उनमें वो मासूमियत होती है और वही उनकी खासियत भी होती है कि फिल्म कर ली है इतनी बड़ी फिल्म कर लिए लेकिन उनके चेहरे पर उसका ज़रा सा भी गुरूर और जरा सा भी गुमान नज़र नहीं आता है अगर यही ज़रा सी बात सर कलाकार सीख ले समझ दे तो वो भी अपनी नई ऊँचाइयों को छू सकता है आप ये फिल्म जरूर देखिएगा इस बच्ची के बड़े काम को देखिएगा पांच अप्रैल को ये फिल्म रिलीज रही है कर। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं तब तो तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए ऑल वेरी बेस्ट एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मैथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मैथड है इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और गूगल के एंड रिव्यूज़। स्विच स्विच ऑन ऑफ एक्टिंग अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मैथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मैथड कोर्स बुक आपको एमेजॉन फ्लिपकार्ट ज्वाइंट फिल्म वेबसाइट पर अवेलेबल है